हेलो, मेरा नाम प्रतिमन है और आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सेल्फ केयर से दांत कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मॉडल या कास्ट हमारे पास आती है उसको हमें थोड़ा सा कार्व करना होता है, हल्का सा डिच लाइक दिस। जो सर्वाइकल लाइन का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर कई बार कुछ बबल्स रह जाते हैं और जब पेशेंट के माउथ में दांत को इंसर्ट किया जाता है तो वो बिल्कुल जिंजाइवा के अंदर तक थोड़ा सा फिट हो जाए, इसलिए हम इसको ध्यान रहे कहीं से कोई बीवल ना बनाया हो डॉक्टर ने। उसके बाद हम इस पे कोल्ड मोल्ड सील अप्लाई करेंगे ब्रश से, कुछ ऐसे। बेसिकली इसको तैयार करने के लिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये जो सेल्फ क्योर है और इसका लिक्विड जो है, ये सेल्फ क्योर का रैपिड रिपेयर, इसको मिक्स करते हैं डिफरेंट डिश में और उसके बाद सीधा अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिनिशिंग करते हैं, जिससे अच्छी शेप नहीं बन पाती है या उनका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरह की स्ट्रिप आती हैं जो सेटअप 4 या सेटअप 6 कहते हैं, तो आप इन दांतों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सीधा। देखिए, अब अगर मैं क्रॉस बाइट में आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर अभी फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सिंगलम है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा घिसाना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको इसको इस हद तक रिड्यूस करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट अडेप्ट हो जाए अंदर तक, चाहे बिल्कुल ही पतली लेयर क्यों ना बचे ये, बिकॉज इस तरह के दांत का कोई नुकसान नहीं है घिसने पर। ये बहुत ही मिल्की कलर टीथ होते हैं, रेट भी इनका ज़्यादा नहीं है। ये सर्वाइकल लाइन से कम्प्लीटली अडेप्टेशन है और यहाँ से भी अगर देखें तो ये कम्प्लीट इसका अलाइनमेंट में जा रहा है सेंट्रल, देखिए। मैंने ये सारे दांत रिड्यूस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये सर्वाइकल लाइन में कम्प्लीट अडेप्टेशन होनी ज़रूरी है इनकी, देखें तो सही इस तरह से, ठीक वैसे ही। अगर ये लैटरल देखें तो कुछ ऐसे, और ये सेंट्रल का जो होलो एरिया है ये भी कुछ तैयार किया है। और ये कंप्लीट अडेप्टेशन करने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा कोल्ड क्योर का पाउडर, अकॉर्डिंग टू जो हमारा दांत हमें बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी रिक्वायरमेंट है वो पाउडर हम पुट करेंगे। चाहे तो आप पूरा भर भी सकते हैं, बट वेस्ट करने से अच्छा ये लगभग 3 दांत, ये 4 दांत, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम ना रहे। उसके बाद हम लिक्विड डालेंगे। लिक्विड ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं।
बिल्कुल सही स्टेज है। इस काम को करते हुए आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास थोड़ा सा लिक्विड एक्स्ट्रा किसी डेफरेंट डिश में या किसी भी तरह से हो, जिससे आप इसको इजीली टैकल कर सको। साथ में थोड़ी बहुत कॉटन हो तो काम थोड़ा सा अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले सेंटर पर एंड थोड़ा सा लेटरल पर। ये जल्दी ही सेट हो रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पहले हम सेंटर लगाते हैं। ठीक, हम उसके बाद लेटर लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो भी डिज़ाइन देना है आप अभी दे सकते हैं इसे। इसके बाद थोड़ा सा जल्दी ही सेट हो गया है, यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, गर्मियों का मौसम है इसलिए जल्दी सेट हो जाती हैं ये। देख सकते हैं ये बराबर जा रहा है। ठीक है, सही लेटर सा अप्लाई करेंगे किट को। उसके बाद जो लेटरल बचा है उसको भी हम अप्लाई करेंगे बिल्कुल ऐसे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा हरा रंग दिखाई दे रहा होगा मॉडल का, बट इट्स ओके बिकॉज जो पेशेंट का दांत होगा या सीमेंट की कलर होगी वो बिल्कुल वाइट ही होगी या हल्की सी येलोइश होगी, तो उस सिचुएशन में ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। हमें पीछे अप्लाई करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल सही जा रही है कि नहीं। अगर कुछ चेंज करने वाला है तो आप थोड़ा सा मूव करके या किसी भी तरह से अभी टैकल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी अलाइनमेंट भी देख ली है, लेफ्ट राइट से, साइड से, क्रॉस एंड ये जा रहे हैं एकदम से सही। थोड़ा सा और मिक्स करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो बिल्कुल थिन जो मटेरियल है ये अभी जो मिक्स किया हमने, इसको हम अप्लाई कर देंगे एज इट इज़ थिन में ही। अगर हम इसको कंप्लीट डफ मेथड में लेकर जाते हैं तब इसका बॉन्ड होना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसको जो इसकी थिन लेयर है वो अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लिक्विड डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया टेम्परेरी क्राउन है तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपने बस साफ सफाई से जो काम करना था वो आपने पहले स्टेप में ही कर लिया जो आगे के दांत लगाने थे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी बची हुई फिनिशिंग पर ध्यान देना है। अब ये बिल्कुल सेट हो गया है तो जो सबसे पहला हम काम करेंगे वो इसको निकालने का। अगर इसमें कोई अंडरकट नहीं है तो ये आसानी से निकल जाएगा बिना कोई भी कास्ट का टीथ टूटे बिना वो निकल जाएगा, बट अगर अंडरकट है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा
थोड़ा थोड़ा सा फोर्स हम सभी जगह से लगाएंगे। तो ये फिक्स हो गया है, लेकिन ये निकल गया है। तो इसमें अंडरकट नहीं है, ये प्रिपरेशन बड़ी कमाल की है। अंडरकट क्या है, इसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा आपको अपने एक वीडियो में अंडरकट क्या होता है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, उसकी नॉलेज मैं आपको दे पाऊँ। तो अभी हमारे पास कास्ट है, अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले हम रफली इसको फिनिश करेंगे। सर्वाइकल लाइन का ध्यान रखना है। जो मेजर डिस्टल साइड है उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। तो जो एरिया है बहुत ही हल्का हल्का सा हमें रिड्यूस करना है। जैसे यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया रह गया है, तो इसको हम बाद में फिलअप कर सकते हैं। इसमें फिनिशिंग में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो ट्रेस हैं हमारे, जो हमने दांतों को अप्लाई किया है, जो ट्रेस बने हैं मेजियल डिस्टल साइड में, सिर्फ उनको फॉलो करना है और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो लोग कंप्लीट सर्क्योर को अप्लाई कर देते हैं, उनको थोड़ा सा फिनिशिंग में दिक्कत आती है। इसमें बस शुरुआत की दिक्कत है, दांत को थोड़ा सा सही तरीके से घिसाना पड़ता है ताकि वो कंप्लीट अडेप्ट हो जाए। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर कैन सी जो थोड़ी बहुत कमी है। हमारा दांत बिल्कुल तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें अभी जो कुछ करने वाला है वो बस ये है कि हमें इसकी टचिंग देखनी है। तो आप कोई भी अपना कार्बन पेपर यहाँ पर लगा के, या मॉडल को भी आप बस ऐसे रब करके जो भी इंडेंटेशन आती हैं आप उससे देख सकते हैं। वैसे कार्बन पेपर सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन टेम्परेरी में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं होती है, बिकॉज कास्ट को दोबारा यूज़ नहीं होना है, इसलिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आपको इसे बफ करना है और ये बिल्कुल रेडी है पेशेंट के मुंह में लगने के लिए। आप इसे देखें ध्यान से।